आज के जो सेशन है इसका उद्देश्य यही है कि सबसे पहली बात, दो तीन चीजों पे मैं बात करूंगा। पहला कि प्रीलिम्स और मेंस के करेंट्स को कैसे कवर करोगे, क्योंकि एक जगह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज दैट कि जब हम आंसर्स लिखने के लिए आपको बोलते हैं तो हम कैसे करें इंट्रोडक्शन, हम इंट्रो कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे बॉडी पार्ट को लिखें, हम बॉडी पार्ट में क्या लिखें, क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है, हमें वे फॉरवर्ड यानी कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है, ये हम कैसे कहां से तैयार करें, ठीक है। और ये सब आर्ट है, एक कला है, एक दिन में नहीं होता, इसके लिए धीरे धीरे एक प्रोसेस लगेगी। उसमें आप देखोगे अपने आप किस लेवल पे आ जाओगे कि तुम्हारी कॉपी तुम्हें किसी और से चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। शुरू में दिक्कत होता है, शुरू में मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में मेरी जरूरत तुम लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से कर रहे हैं, हम पूरे बनाना सीख रहे हैं। जब बनाने सीख लिए तो फिर उसकी दिक्कत क्या है, आपको जब कुकिंग आ गई, कुकिंग का प्रोसेस आपने सीख लिया, तो फिर आपको किसी सेफ के अंदर काम करने की क्या जरूरत। तो यही आज का सेशन का उद्देश्य, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि रात में हम इसीलिए नहीं किए कि 9 बजे शुरू करते फिर 10 बजे बंद कर देना पड़ता, तो 10 बजे शुरू किए हैं। आई थिंक देखते हैं कितना देर चलता है, 1 घंटा में हो जाएगा तो 1 घंटा कंप्लीट कर लेंगे, 2 घंटा होगा तो 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना देर लगेगा, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि कल से जो सेशन स्टार्ट हो रही है वो हो रही है ज्योग्राफी का, क्योंकि देखिए आपके अभी तक हमने पॉलिटी का एक मॉड्यूल लेके चला है, दूसरा मॉड्यूल मैंने हिस्ट्री का लेके चला हूँ, और अब मैं ज्योग्राफी लेके चलता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपके मॉड्यूल चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस हम रिवाइज पूरा करा देंगे। बशर्ते बस एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों को मैटर्स दिए जा रहे हैं उसको पढ़िए, जो हम सिलेबस डिफाइन कर दे रहे हैं हफ्ते का, वीक का, जो सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं उसको पढ़िएगा। ये नहीं कि वो दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसको आप यदि रिवाइज पढ़ते चलेंगे ना, तो फिर आप देखोगे कि 6 महीने के अंदर में पूरी की पूरी सिलेबस आपका कवर हो रखी है, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रखी है, प्लस MCQ सोल्व भी कर रखे, और क्या चाहिए आप, इसी चीज को फिर साइकिल में करते रहो, ठीक है। आजकल का जब आजकल क्या है कि हम लोग जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उससे हम लोग बाहर निकल चुके, हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा में नहीं, क्यों नहीं है, उसका कारण है क्योंकि हम ना कोई गुरुकुल चला रहे हैं, ना आप कोई किसी गुरुकुल में बैठे हो, आप ऑनलाइन सेशन में हो, आप किसी और स्टेट से हो, कोई किसी और स्टेट से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई UP से है, कोई राजस्थान, तो कोई गुजरात से है, तो अलग अलग जगह से आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन यहीं के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को हम यूज कैसे करें, क्योंकि फ्लड का इन्फॉर्मेशन आप देखते हो न्यूज चैनल पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि हम मेरे लाइक कौन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, मतलब ओवरफ्लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये क्रिएट कर रहा है, डाइवर्सन यहीं पे है, कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी किसी ने कुछ कह दिया, फिर उधर मूव कर गए, तो पता चला कि ना पहले का कुछ कम्प्लीट हुआ ना अभी का कुछ कम्प्लीट हुआ। चलिए देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जब तुम कोई नोट्स बनाओगे ना, तो सबसे पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। जब मान लो तुम कोई नोट्स बनाते हो तो नोट्स में कोशिश ये करना कि जितने भी तुम्हारे तुम UPSC का जो तुम्हारा नोटिफिकेशन है, ठीक है, UPSC का जो आपका नोटिफिकेशन है उसको निकाल लीजिएगा, उसमें ना नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे मान लो GS पेपर 1 है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम है, उसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज है, ठीक है, तो उसमें नंबरिंग कर लो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2, ऐसे करोगे ना तो लगभग 20-30 टॉपिक्स के आसपास आएंगे, और सबके ना अलग अलग करना, एक साथ मत करना। जैसे मान लो पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल हैं, ठीक, इसको कर लेना। और GS पेपर 1 उठाना 2013 से लेकर के 2021 तक का, क्योंकि 22 अब होगा सितंबर में, तो 2021 तक उसमें देखना कि इस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे UPSC के पेपर्स में आए हुए, उन सारे को सारे के सारे क्वेश्चन को कट आउट करना है, और आपको एक फाइल में ही रखनी है, उसी फाइल में यदि सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो तो सॉफ्ट कॉपी उसको वहां पे अटैच कर दो, यदि हार्ड कॉपी बना रहे हो तो उसको प्रिंट आउट करके वहां पे अटैच कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी हम तुम्हें जो मॉड्यूल देंगे, मान लो GS का मॉड्यूल दे रहे हैं, या मुझे मान लो मुझे उसमें GS के मॉड्यूल में सब मॉड्यूल है तुम्हारा हिस्ट्री का,
तो उसमें क्या होगा कि उस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले ना तुम्हारे जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए उसको पहले एक नजर में डाल लो, क्योंकि इससे ये तुम्हें पता चलेगा कि इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेमिंग किया गया है पहले, तो इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी खास करके किन पोर्शंस पे ज्यादा फोकस कर रही है। और दूसरी बात कि जब हम कोई करेंट पढ़ें तो हमारे दिमाग में ये हिट कर जाए कि इस टॉपिक की हम यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई तुमने मान लो कोई जीएस पेपर वन में ही मान लो तुम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कोई न्यूज में है, और न्यूज में है मान लो कोई रिवर न्यूज में है, ठीक है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में मान लो कोई न्यूज रिवर है। अब रिवर को लोकेट कर लो, मैप बुक ओपन करो, मैप में देख लो कि रिवर कहाँ पे है, यदि वर्ल्ड रिवर विश्व की दूसरी किसी नदी की बात कर रहा है तो उसको देखो, उसके बगल के बाउंड्रीज को देख लो, कौन कौन सी देश की सीमाएं लग रही हैं। एक बार बैठोगे करने के लिए तो दिक्कत होगा, कर तो लोगे लेकिन क्वेश्चंस नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पढ़ने के क्रम में तुम मैपिंग भी कर लिए प्लस तुम्हारे क्वेश्चंस भी, और ये नदी क्यों फेमस है या कि इस नदी को क्यों न्यूज में लाया गया उस कारण से देखना, क्या ये वर्ल्ड पॉल्यूटेड नदी है या कुछ ऐसी जीवाश्म इसमें मिले हैं या कुछ ऐसा उत्खनन यहाँ पे हुआ है या दो स्टेट के बीच में कोई लड़ाई वगैरह का मुद्दा है यहाँ पे। तो इस तरह से तुम्हारे टॉपिक में और इंटरेस्ट भी जगेगा, बजा मजा आएगा पढ़ने में, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री भी जुड़ गया, ज्योग्राफी भी जुड़ रहा है, पॉलिटी भी जुड़ रही है, ठीक है, करेंट अफेयर्स भी जुड़ रहा है। तो इस तरह से तुम्हारे ये टॉपिक, थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, एक एक करेंट को तैयार करने में मुझे 10 मिनट लग रहा है, लेकिन फिर वो बाद में बहुत फायदा करेगा क्योंकि तुम बहुत सारे डायमेंशन को इसमें कवर करोगे। तो पहली पॉइंट तो ये कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मान लो मुझे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। अब मान लो कोई टॉपिक है, सपोज करो वो टॉपिक आ रहा है, चाहे वो जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर के जाए या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए। अभी अभी देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में हुआ कि एक दल की सरकार थी, उसी दल के कुछ विधायक अपने मुखिया से नाखुश होने के कारण एक दूसरा उसी पार्टी में से एक दूसरा धारा जो है अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करता है, मुख्यमंत्री बन जाता है ना। अब यहाँ पे जो दल बदल कानून है, क्या दल बदल कानून इनमें लागू होगा कि नहीं होगा, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, न्यूज तो पेपर तो पढ़ ही रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा या इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि शिवसेना है किसकी भाई, शिंदे ग्रुप कहेगा कि शिवसेना मेरी है, उद्धव ठाकरे का ग्रुप कह रहा है कि शिवसेना हमारी है, तो शिवसेना है किसकी। इसीलिए देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई 8 अगस्त तक तुम लोग अपना बहुमत साबित करो कि किसकी पार्टी है ना। तो क्या दल बदल कानून, अब दल बदल कानून चले जाओ आप लक्ष्मीकांत की बुक ओपन कर लो, पढ़ो वहां से, अब फिर यहाँ से तुम्हें न्यूज का मसाला मिल ही रहा है। तो ऐसे करोगे ना तब फिर तुम्हारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। अब दूसरी बात, मान लो दल बदल कानून देख लो, तो उसमें से दो तीन चीजें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना, पहली कि जब तुम कोई भूमिका लिखते हो, दूसरा है जो बॉडी पार्ट जिसको मुख्य भाग कहते हैं, मान लो मुख्य भाग की मैं बात करूं, मुख्य भाग ले हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया निष्कर्ष। देखो हर प्रश्न का ना निष्कर्ष नहीं होता, ये भी बात हमेशा याद रखना, तो कहेंगे ना भूमिका मुख्य भाग निष्कर्ष, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में हम निष्कर्ष ही देखें। हाँ, प्रश्न का नेचर कैसा है, प्रश्न किस तरह से डिमांड कर रहा, उसके अकॉर्डिंग वे फॉरवर्ड हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक लाइन लिख करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे फाइनली आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। अच्छा सपोज करो अभी देखो अभी न्यूज में क्या है, अभी है जाति आधारित सेंसस है ना, कि जाति के आधार पे जो जनगणना हो रही है, लोग कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ स्टेट कह रहे हैं, जैसे बिहार है कह रहा है कि हम तो करवाएंगे। अब तुमसे तुम्हारा मत पूछा जाए तो क्या कहोगे ना, क्योंकि हर की अपनी अपनी मत तो होती है, तो प्रश्न में भी आपको दिखेगा, आपसे पूछेगा कि स्टेट योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताइए, तो हम वहां पे किस तरह से ओपिनियन देंगे, ये ओपिनियन वहां सोच करके नहीं होगा, इस ओपिनियन को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं और इस ओपिनियन होगा। यदि मुझसे पूछा जाता कि यदि ये सेंसेक्स का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन होता कि यदि लगता है कि जाति आधारित जनगणना कराने के बाद सरकार जो योजनाएं बनाती हैं या सरकार जो कानून बनाती है उसमें बेनिफिट्स पहुंचा सकता है, तो एब्सोल्युटली होनी चाहिए जातीय जनगणना। लेकिन अब
पॉलिटिक्स के लिए जातीय जनगणना करोगे तब फिर दिक्कत है ना, फिर तो लोगों में तुम बांटने का काम कर दो। एक तो रिजर्वेशन का झेल ही रहे, अब तो जाति के आधार पर, अब रिजर्वेशन के अंदर अब जनरल कैटेगरी उसमें भी 4 जातियां होंगी, ओबीसी है तो उसमें भी 50 जातियां होंगी, अभी वो जातियों में तुम जाति जाति बात बात कर दो सब, फिर तो सब अपने अपने जाति देखेगा, तो फिर वो यूनिटी कैसे बढ़ पाएगी। यदि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाहते हैं तो दिक्कत है, आप राजनीति फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन यदि उस जाति जनगणना का आधार पे आप भारत सरकार यदि कोई योजना बना रही है, राज्य सरकार कोई योजना बना रही है, उससे उस वर्ग को बेनिफिट्स मिलेगा, तब ये जाति जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं। और ये शुरू हो चुका है, ऐसा भी नहीं है वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। पिछले बार भी जनगणना हुई थी उसमें इंफॉर्मेशन लिया गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि तो कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत सारा डिस्टॉर्शन है, मतलब बहुत सारा त्रुटियां हैं, कमियां हैं, इसे इन्होंने इस तरह से कहा कि इसको रोक दिया। इस तरह के मुद्दों को जो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स का जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जो आपका योजना है कुरुक्षेत्र है, तो वहां से इन सब पॉइंट को ड्राइव आउट करोगे। एक दिन में होगा नहीं कि एक दिन बैठे पूरे 1 साल का योजना लेकर के, तो नहीं भाई हम तो कंक्लूजन निकाल लेंगे, हम तो भूमिका निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए करना क्या होगा, डेली बाई डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन डेली करनी है, ये नहीं कि एक ही दिन बैठे पूरा हफ्ते भर का खाना खाएंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, बोर भी हो जाओगे, क्वालिटी भी इंगेजमेंट उस तरह से नहीं, उस तरह की क्वालिटी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि कैसे मेंस के करेंट आप निकालोगे, कैसे उसकी भूमिका तैयार करोगे, कुछ रिटेन भूमिका हम खुद तुमको दे देंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे को कैसे शुरुआत करना वो रिटेन में हम दे देंगे, उससे क्या होगा कि तुम्हारा रेसिपी तैयार हो जाएगा। उस रेसिपी का मतलब हुआ कि हमें पता है कि इंट्रोडक्शन में किस तरह से पॉइंट्स आउट जाएंगे, किस तरह से कंक्लूजन में पॉइंट्स आउट जाएंगे, किस तरह की भूमिकाओं में डेटा लिखने, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देकर के बात भी करूंगा, और कुछ चीजों को आपको हम प्री डिफाइन दे देंगे, वो एक बार नहीं देंगे, हम धीरे धीरे देंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको प्री रेसिपी टाइप का दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चन को उस बेस पे फ्रेम आउट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि 150 शब्द को में लिखना है जवाब, क्योंकि आप लोग भी आंसर समय लिख करके जो सेंड करते हो, कभी कभी उस प्रश्न की सीमा इतनी ज्यादा हो जाती है, 200-250 बढ़ जाते हैं, किसी कभी कभी तो 100 भी नहीं पूरता है, ये भी गलत है। तो हमें 150 शब्द को भी ध्यान में रखना है, हमें टाइम को भी ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ तो एक रोज एक एक दो दो क्वेश्चन लिखते हो, एग्जाम में तो 3 घंटे के अंदर में तुम्हें 20 क्वेश्चन के जवाब लिखने हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जो प्रैक्टिस का जो मेरा तरीका है वो मैंने आपको बोला ही कि आप पढ़े जो क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट्स आपके पास है उसको पढ़िए, देखिए, फिर लिखिए, असाइनमेंट की तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बीच में मॉड्यूल का क्वेश्चन जो आपको देते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन देते हैं 10 क्वेश्चन, उसको आपको देख करके नहीं लिखना है, कभी भी बुक को सामने रख करके, बुक नोट्स को सामने रख करके इन सब को नहीं लिखना है। वो जब भी लिखना है तो देखना है कि पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा था, पूरे हफ्ते जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उसके उसको मेमोराइज करके, उसको याद करके आपको कॉपी पे लिखना है। इससे ये पता चल जाएगा कि मुझे कुछ याद रह भी रहा है कि नहीं, या तो मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, और यही होता ही है, पढ़ते जाते हैं और लिखने के टाइम पे सब भूल जाऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले से करोगे नहीं तो लास्ट में ये होने वाला नहीं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ। सर क्लियर है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? जी ठीक जी सर क्लियर। है, देखो और हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे होता है ना, बहुत सारे तुम लोग आंसर्स लिख रहे हो, किसी किसी का आंसर्स में समझ में नहीं आता कि क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें। देखो, जब भी हम कोई आंसर्स की रिवीजन करते हैं तो 3 पार्ट में बोलते हैं कि आंसर्स आपके होंगे, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। एक बात और याद रखना, ये यहाँ बात करने बड़ा आसान है, एग्जामिनेशन में ना, ये जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेगा ना, तब तक वहां तुम लिख नहीं पाओगे, वहां सोच नहीं पाओगे कि हम इंट्रो में ये लिखेंगे, हम उतना टाइम किसके पास है, नहीं होता है उतना टाइम। प्रैक्टिकली जिसके पास एक्सपीरियंस है उसी से तो समझ सकता है कि वहां पे इतना समय नहीं होता। ये आपके बोलते हैं ना कि हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए, उस टाइप का है। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ ये ना सोचना पड़े कि इसके लिए हम ये इंट्रोडक्शन अब शुरू कर बैठ करके सोच रहे हैं, अब एक क्वेश्चन में सोचने में 15 मिनट लगा तो तुम्हारे क्वेश्चन ही छूट जाएंगे, क्वेश्चन पूरे करने। तो
होता क्या, कभी कभी आप देखते हो आप किसी रास्ते से रोज जाते हो, मान लो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, दिमाग कहीं और है, फोन पर लगे हुए बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कदम जो है ना उसी तरह से पहुंचाते हुए तुम्हें दुकान पे पहुंचा देगा, तुम्हें घर पहुंचा देगा, तुम्हें स्कूल पहुंचा देगा। उसके लिए दिमाग को ट्रेंड इस तरह से कर रखे हो पर डे के काम करके कि तुम बात करते करते सब्जी काट रहे, सब्जी बना रहे हो, बात करते करते ब्रश कर लिए, दिमाग कहीं और काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो प्रोसेस कर रहा है। और यही प्रोसेस तुम्हारे आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए। वहां बैठ के नहीं सोच पाओगे इसके बॉडी में हम क्या लिखे हैं। एक एसे के पेपर्स में होता है, हम लोग उसमें बताते हैं कि कैसे उसको डिकोड करना है, कैसे उसके डायमेंशन को फाइंड आउट करना। वहां पे आधा घंटा हम कहते हैं कि जब आप एसे लिख रहे हो तो पहले आधा घंटा टाइम दो एसे को स्ट्रक्चर्स तैयार करने के लिए, रफ पेपर में तैयार करो और तब एसे लिखो, क्योंकि वहां 1200 शब्द में लिखने हैं, यहां तो 150 शब्द में आंसर लिखने हैं। ये तो पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी हम टाइम वहां लेंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो ध्यान में ये चीज को रखना है कि ये प्रैक्टिस में इतना ले आना है कि हाथ चले तो सीधे इंट्रो से शुरू करें और कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस होगी तभी होगी, और ये प्रैक्टिस एक दिन में होगा नहीं, इसलिए शुरू में थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन आगे आप ही को फायदा करें, आपको लगेगा कि हाँ रियली में मुझे किसी ने कुछ बताया। तो पहली बात होती है इंट्रो, सेकेंड पार्ट इज द बॉडी, एंड थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन। अब सरों इंट्रोडक्शन में क्या शुरू करना, ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम ये ध्यान करेंगे कि सवाल पूछा क्यों गया, क्या यह सवाल चर्चा में है, और यदि चर्चा में है तो चर्चा में होने का कारण क्या, यह सवाल क्यों चर्चा में, क्या कोई रिपोर्ट छपी है इसके ऊपर, क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे कोई बात रखी है, या कोई रिपोर्ट लेकर के आई है, क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, क्या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट है, नीति आयोग ने क्या कोई रिपोर्ट लेकर के आया है, या क्या ये कंटेम्पररी कोई मुद्दा है जो अराजकता फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा वर्नेबल इश्यूज है। इन सब चीज को ध्यान रखना है कि सवाल पहले पूछा क्यों गया है, क्योंकि हमेशा देखोगे यूपीएससी का जो प्रश्न होता है मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, कभी वो अप्रासंगिक चीजें नहीं पूछता है, वैसे ना किसी रूप से वो न्यूज से आपसे हमसे जुड़ा रहेगा, सवाल को वहां पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सवाल हमें पूछा क्यों गया है, क्यों है ये चर्चा में। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि चर्चा में है, सिंपल सी बात है, किसी रिपोर्ट में होगा, तो उस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए तुम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, उल्लेख करते हुए उस रिपोर्ट का उल्लेख करो और चलो। लेकिन चलो ये तो प्रश्न हो गया कि यदि सर वो करेंट का क्वेश्चन हुआ तब ना, लेकिन वो क्वेश्चन स्टैटिक का है तब, है ना। मान लो स्टैटिक का है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, मुद्रा स्फीति से पूछ दिया या गरीबी से पूछ रहा है, तो वहां पे क्या करना है इंट्रोडक्शन में, वहां पे उस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए इंट्रोडक्शन, मुद्रास्फीति को डिफाइन करते हुए उसका इंट्रोडक्शन शुरू करें, गरीबी को डिफाइन करते हुए उसका। अब गरीबी के लिए तुम अपने अनुसार गरीबी का डिफिनेशन बनाओगे नहीं, देख जब गरीबी वाले चैप्टर्स जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां पे देखो कि भारत सरकार गरीब किसको मान रही है, IMF का रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कह रहा है ना। गरीबी का मापन तो अलग अलग तरीके से है, यहाँ तो 27 रुपये कमाने वाले को भी गरीब नहीं मानते, 27 रुपये आप खर्च कर रहे हो ना। और जो इंटरनेशनल जो है कि $1 से कम यदि आपका पर डे का खर्चा है तो आप गरीबी के शेखा में आते हैं, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो ये कब करेगा, इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालेंगे या अपने पास रखेंगे, उसमें जो पहला मॉड्यूल है, उसमें जो दूसरा टॉपिक मॉड्यूल है, तीसरा टॉपिक सब मॉड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग जब आप कंटेंट पढ़ोगे, जो कंटेंट नहीं होगा हम खुद देंगे, हमसे मांगोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे, उसमें क्या होगा, अब वहां से तुम्हें डिफिनेशंस मिल जाएंगे, उस रिपोर्ट्स में डिफिनेशंस आएंगे, उस न्यूज़पेपर्स में डिफिनेशन, जब तुम कोई आर्टिकल पढ़ते हो। अब होता है कि आजकल होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, आर्टिकल जो एडिटोरियल वो सुनते हैं। अरे सुनना ठीक है, सुनो, लेकिन जब तक तुम अपने कॉपी पे उस चीज को अपनी भाषा में नहीं लिखोगे ना, तो वो तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। सुनने में तो बड़ा आसान लगेगा, मुद्दों की समझ जाओगे, लेकिन सिर्फ समझना थोड़ी ना, उसको लिखना भी तो है ना, और लिखने के लिए शब्द चाहिए, लिखने के लिए वो कैप चाहिए आपके पास, वो कैसे लाओगे,
तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चाहे आप कहीं से भी ऑडिटोरियल सुन रहे हो, चाहे ऑडिटोरियल खुद से पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो वहां से पॉइंट आउट को ड्राइव करने का। जनरली जो भी एडिटोरियल आर्टिकल जो आप पढ़ते हो अंग्रेजी में पढ़ते हो, और अंग्रेजी तो लिखोगे नहीं जीएस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। ऐसा तो है नहीं कि हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं सर, तो अंग्रेजी होता है ना कि अंग्रेजी में लोग लिखते हैं स्क्रीन पे और समझाते हैं हिंदी में, जो तो ये समझ में नहीं आता कि समझा रहे हो आप हिंदी में, लिख रहे हो आप अंग्रेजी में, कि बच्चे इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिखें जिनको दिक्कत है। या तो फिर कंटेंट भी वहाँ पे हिंदी में हो जाए। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि जो भी कोचिंग का जो मंथली कंपाइलेशन होता है उसको लो, उसके अंदर से उस डिफिनेशन को एक पेज पे रखो, उस टॉपिक के साथ रखो, कि जब भी हम टेस्ट दें या हम टेस्ट में क्वेश्चन आपको साथ दें तो आप क्या कर सको, आप उसको रिवाइज कर सको। जैसे आप रिवाइज करोगे कंफर्टेबल हो जाएंगे, उस चीज को आप लिखते हैं। तो पहली तो बात एक इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है। यदि वो पेपर करेंट अफेयर्स का है, उद्योग क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है, तो देखो कि वो चर्चा में क्यों है, क्या उसके ऊपर कोई रिपोर्ट छपी है, क्या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बात रखी है। सेकेंड थिंग इज दैट यदि वो क्वेश्चन स्टैटिक है, स्टैटिक में देखो उस चीज को डिफाइन करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन पे पूछा, तो पहले तो सविनय अवज्ञा है क्या उसको तो बता दो, उसके बाद जो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही ऐसे चीजें चलेंगी। तो पहली बात इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है कि कैसे हम शुरू करेंगे। जब भी कोई सवाल दिया जाए, जैसे ज्योग्राफी का अगले मॉड्यूल है, अब ज्योग्राफी में मान लो मैंने अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन से पकड़ लिया, या मानो जियोमॉर्फोलिज्म से मैंने पकड़ लिया, तो वहां पे टर्मिनोलॉजी होंगे। प्लेट टेक्टोनिक पे क्वेश्चन है तो प्लेट टेक्टोनिक से शुरुआत करो, समझाओ उसको प्लेट टेक्टोनिक है क्या। अब उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप बढ़ सकते हो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो तुम एक ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछे, नेचर ऑफ द इंडियन ग्रोथ, क्योंकि भारत में जो प्रकृति है ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है। अरे भाई ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रही है। हम तो एम्प्लॉय जितने थे वो सारे कम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो कौन सा ग्रोथ है ना? क्या ये ग्रोथ सही है या नहीं? आप तो बढ़ाओगे ग्रोथ और एम्प्लॉयबिलिटी जो है तुम्हारी घटते जा रही है। इस तरह के मुद्दे में तो पहले तो ग्रोथ हमें पता होना चाहिए, हम किस तरह की वृद्धि की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्शन के यदि मैं बात करूँ तो इस तरह से। यदि ये क्वेश्चन स्टैटिक्स पार्ट का है तो उसकी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए चलो, और यदि वो टॉपिक करेंट अफेयर्स का है तो उन मुद्दों को देखो कि कहाँ पे पूछा, क्योंकि करेंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हें पता तो चल ही जाएगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। यदि किसी रिपोर्ट में, नीति आयोग की किसी रिपोर्ट में है, या संसद की कोई रिपोर्ट आई है उसमें कोई रिपोर्ट पे डेटा का जिक्र किया गया है, तो आप वहां से उठा सकते हैं। सेकेंड थिंग, यदि मान लो सपोज करो कि सब, फिर ये तो चलो इंट्रोडक्शन का बात हो गया कि हमारे पास करेंट अफेयर्स का टॉपिक है तो हम कैसे शुरू करेंगे, और यदि वो स्टैटिक का टॉपिक है तो कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा बॉडी पे, क्योंकि मेन बॉडी पे, बॉडी का मतलब ये होता है कि जो मुख्य भाग है उस मुख्य भाग में किन बिंदुओं को उल्लेख किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे देखोगे कि कभी कभी कहीं पे ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कोई एग्जांपल, जैसे न्यूज़पेपर पर पढ़ रहे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेगा। अभी एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वसम की डीएम थी, ठीक है, बहुत सारे डीएम और आईएएस क्वालिफाई और जो जॉब में रिले बनाने में व्यस्त लगते हैं, लेकिन रियल में जो एडमायर होना चाहिए, जो इंस्पायरेशन होना चाहिए, वो उस लेडीज को देखो, साउथ इंडिया की कोई लेडीज है और असम में जब बाहर हुआ था तो वो कीचर में दौड़ रही है ना, साड़ी पहनी हुई है, कीचर में वो दौड़ रही है, वहां के लोगों को रूट लेवल पे मदद कर रही है। उस तरह के एग्जाम्पल्स आपको एथिक्स वाले पेपर्स में भी यूज करने के लिए मिलेगा, आप वुमेन एम्पावरमेंट वाले भी सेक्शन में उसको आप यूज कर सकते। तो ये एक दिन बैठ हुआ तो कनेक्ट होगा नहीं, डेली न्यूज पेपर पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आएंगे, उसको एक जगह फिल्टर कर करके रख लेना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स इसलिए ऐसा बनाना है कि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें किसी को बेचना थोड़े ना नोट्स बना करके, बेचना तो है नहीं, तो तुम्हारे पास अपना नोट्स हो तो आप अपने समझने के लिए उसमें उस तरह के पॉइंट रखो। इससे बॉडी तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, गुड एग्जांपल्स, ये हो सकता है, ये भी ऐड कर सकते हो। दूसरा, कोई बहुत ही वर्स्ट प्रैक्टिस, ऐसा भी हो सकता है। अब मान लो मैं एक न्यूज पढ़ा था कि उसमें
अब भारत सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, भाई झारखंड में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं उनको इसलिए अनाज नहीं दे पा रहा है कि वहां पे उनका अंगूठा ही नहीं लग रहा है, आधार अंगूठा ही नहीं लग रहा है कि कनेक्ट हो, इंटरनेट का सर्विस सही नहीं है, और उस कारण से उनको बेचारों को मंथली जो अनाज है वो मिल नहीं रहा था। एसटी कम्युनिटी के कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत इशू बना था ये। एक तरफ आप एनएफएस करते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लागू कर रखे हो, और दूसरे तरफ भूख से लोग मर रहे हैं, ये कौन सा भैया है? तो वर्स्ट जिसको बोलते हैं ना, वर्स्ट प्रैक्टिसेस हैं ये, वर्स्ट एग्जांपल है ये कि आप जिनके लिए बना रहे उनके तक पहुंच नहीं, उसी कारण लोग मर रहे हैं। इस तरह से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिल सकता है, कुछ वर्स्ट प्रैक्टिसेस आपको मिल सकता है, बैड एग्जांपल्स मिल सकता है, ये भी आप बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट में यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने रिपोर्ट की बात की, रिपोर्ट की डेटा यहाँ तुमको मिल सकता है, कोई भी रिपोर्ट यदि पढ़ रहे हो तो उसके डेटा आपको उठा लो, फैक्ट उठाओ, देखो वहां से फैक्ट क्या फैक्ट है। यदि एजुकेशन पे बात करता है तो देखो एजुकेशन की रेशियो क्या, प्रथम एनजीओ जो है उसका रिपोर्ट आता है, उसके रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है, नीति आयोग कोई रिपोर्ट लेकर के आ रही है तो उस रिपोर्ट पर क्या कहा, उसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो ये सब डेटा जब बैठोगे लिखने के लिए तब ढूंढोगे, नहीं ना, इसको पहले से ढूंढ करके रखोगे, पहले से एक जगह कलेक्ट करके रखोगे, तो जब भी तुम्हारे एग्जाम्स होंगे कहीं पे भी टेस्ट पेपर लिखते हो उसके पहले रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ होना चाहिए ना, जिसको एक बार तुम रिवाइज, एक दिन में तो ये याद नहीं रहेगा, और डेटा तो बार बार चेंज होता है। मान लीजिए 2023 में जिसको देना होगा, जिसको 2024 में देना होगा, तो डेटा तो बदलते रहेगा ना, एक जगह रखोगे तभी तो उसको वहां पे आराम से बदल सकते हो, आसानी से बदल सकते हो। ये चीज हो गया। दूसरा, जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हो, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है वो हो सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकता है, गवर्नमेंट की योजनाएं हो सकती हैं, कि गवर्नमेंट कौन सी योजना किस पे लेकर के आ रही है, नल से जल योजना है ना, मुद्रा योजना है, ऐसे बहुत सारी योजना है। तो देखोगे कि आप जब योजनाएं पढ़ते हो तो उसके उद्देश्यों को पढ़ो, उसके कंपोनेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स है उसको आप देखिए, इससे क्या होगा कि आप अपने आंसर को इनहेंस करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि डिफिनिशन हो सकता है, यहाँ पे भी डिफाइन कर दो उस पॉइंट, उसमें सब पॉइंट आए तो उसको कर सकते हो। दूसरी बात ये कर सकते हैं, पावर वर्ड्स होते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी, पावर वर्ड्स। जैसे देखोगे कि कभी कभी एपीजे अब्दुल कलाम हो, नेल्सन मंडेला हो, गांधी के कुछ कोट्स हो, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसको भी आप आंसर्स में कहीं ना कहीं पे लेकर क्या होगा। आप लोगों में से काफी लोगों ने आंसर लिखा था ना, जैसे मैंने उसमें पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था, मैं तो किसी ने स्टेटमेंट लिखा था ना कि याद नहीं आ रहा किसने, किसी ने कॉपी में लिखा था आंसर्स कि जैसे लाला लाजपत राय ने क्या कहा, या जो फिस मिशन था, फिस मिशन के बारे में गांधी का क्या स्टेटमेंट था कि एक ऐसे डूबते हुए बैंक का चेक था, है ना, बैंक बोले थे ना कि जिसका जो डूब रहा है उस बैंक का उन्होंने चेक काट के दिया, उस तरह का स्टेटमेंट उनका था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कुछ बिग आइडियाज हो सकते, बड़े बड़े आइडियाज, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टाइप का, कोर्ट का जजमेंट हो सकता है। मान लो कोर्ट भी आजकल बहुत सारे जजमेंट देते रहती है, बहुत सारी बातें, जैसे अभी देख लो जो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि किसी के धर्म के ऊपर बोलने के कारण नतीजा क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है किस तरह की दोनों पक्षों का क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह के वो बातें कोर्ट में कही जा रही है। दूसरा, कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाए, जैसे निर्भया हत्याकांड में था, जस्टिस वर्मा रिपोर्ट में कही गई थी, तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे कोर्ट जजमेंट भी तुम्हें मिलेंगे, चाहे वो सोशल इशू से संबंधित हो, चाहे दल बदल कानून से संबंधित हो, उसको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो मैंने बोला, कोर्ट एंड सेल, यदि कोई कुछ कहता है, कुछ बोलता है, उस चीज को आप रख सकते हैं। जैसे मान लो, अब मैं एक एक दो दो एग्जांपल समझा देता हूँ, कि सपोज करो कि तुम्हें क्वेश्चन देना है वाटर कंजर्वेशन पे बात करनी है, ठीक है, जल संरक्षण पे बात करना है, ठीक है, जंगल के संरक्षण पे बात करना है, तो ऐसा देखो कोई एग्जाम्पल्स आपको दिखेगा। बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो इस तरह की योजनाएं चाहे वो लागू कराते हैं, कोई ऐसी राज्य सरकारें हैं वो उस तरह की योजनाएं लेकर के आती हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में बावड़ी जो है उसको बचाने का प्रयास देख लो, या तुम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के इश्यूज को लेकर के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेगा, ये सारे न्यूज़पेपर में तुमको मिल जाएंगे, बेस्ट एग्जांपल्स मिलेंगे। वर्स्ट एग्जांपल्स जो मैंने आपको बोला,
कि किस तरह से झारखंड में देखा कि भाई जिसको जरूरत है बेचारे को वहाँ इंटरनेट नहीं है कि उनका तो अंगूठा लग सके और जिस कारण से उनको अनाज नहीं दे रहे, कितनी परेशानी है। ये वर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला उठा लो, सोशल मीडिया पर ह्यूमर देखो किस तरह से फैलाते हैं लोग, वर्स्ट एग्जाम्पल। डिजिटल मीडिया का सबसे गंदा एग्जाम्पल ही हम कहते हैं कि हम डिजिटल हो रहे हैं, हम बहुत डिजिटली एजुकेटेड हैं, और हो क्या रहा है, एक गलत फेक न्यूज पे लोगों को लोग मार दे रहे हैं, लोगों एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे हावी हो जा रहा है, लड़ाई हो जा रही है। तो डिजिटल मीडिया का तो आज इस तरह का यूज कर रही है, एक दूसरे पे हेट फैलाने के लिए कर। तो ये वर्स्ट एग्जाम्पल यदि डिजिटल मीडिया का हम करें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर यूज करें, वर्स्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल नहीं, बेस्ट एग्जाम्पल भी है, जैसे बहुत सारे फंड रेज करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, बहुत सारे टैलेंट को बाहर आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, देखो बहुत सारे वायरल हो जाते हैं लोग, बहुत सारे टैलेंट बाहर भी निकलता है। तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा तुम्हें अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, सोशल मीडिया तुम्हें एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ तुम अपना परफॉर्मेंस दिखा करके रोजी रोटी चला सकते हो। ये अच्छा एग्जाम्पल, लेकिन वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल्स भी देख लो, किस वे में लिखा जाएगा ये पर्सन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि तुमसे पूछा किस नेचर पे जा रहे हैं। दूसरी बात, जब हम डेटा और फैक्ट की बात करेंगे तो डेटा और फैक्ट सब कलर कैसे करें, तो एक दिन बैठोगे तो डेटा और फैक्ट कलेक्ट होगा नहीं। जैसे जब भी हम बोलते हैं कि जो मंथली मैगजीन सजेस्ट करते हैं, उस मंथली मैगजीन को तुम पढ़ते हो तो उसके अंदर से जो डेटाज हैं उस डेटा को तुम लिखो अपने कॉपी पर। सोसाइटी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो सोसाइटी वाले चैप्टर जो डेटाज मिलते हैं उसको एक जगह लिख लो, या मान लो इन्वायरमेंट से संबंधित कोई चीज पढ़ रहे हो, योजनाएं पढ़ रहे हो उसके डेटा ले लो, मनरेगा पढ़ रहे हो तो मनरेगा में देखो ना कितनी एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हुई है, कितना रिवेन्यू उस पर खर्च हुआ, ये सब डेटा तुम्हें मिलेगा। तुम अपने आप को तर्क, जब आप डिबेट करते हो चाहे आप अपने क्वेश्चंस को सस्टेन कराओगे, आंसर्स को सस्टेन कराओगे, उसके लिए तुम्हें तर्क देने पड़ेंगे, और तर्क हवाबाजी वाली तर्क होगी नहीं। तर्क का मतलब है कि जो फैक्ट आप बात कर रहे हो उसके आधार पर आपके तर्क की विश्वसनीयता सिद्ध होती है, न कि आपके बिना फैक्ट के आधार पर आप नहीं बात कर सकते। तो फैक्ट बहुत जगह मदद करेगा तुम्हें आंसर को सस्टेन कराने के लिए, अपने आर्गुमेंट को सही साबित करने के लिए तर्क का जरूरत है पड़ेगा। तर्क में उन फैक्ट को उन रिपोर्टों का उल्लेख करोगे, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम फला आदमी को कोट कर रहे हैं, हम अमृत सेन को कोट कर रहे हैं किसी मैटर पे, है ना, हम IMF को कोट कर रहे हैं, ये हमारा डेटा नहीं IMF का, ये भारत सरकार का ही डाटा, ये नीति आयोग का ही डाटा। अभी आप देखे होंगे ना गवर्नेंस का रिपोर्ट निकालती है, डिजिटल लिटरेसी का रिपोर्ट निकालती है, और किस तरह से हर स्टेट का अपनी एक रैंकिंग बनती है, इस तरह से पता चल जाएगा आपको। गवर्नमेंट स्कीम में चाहे वो कुसुम योजना हो, प्रधानमंत्री किसान योजना हो, पीएम किसान हो, या मुद्रा योजना हो, है ना, नरेगा हो, इस तरह से जो भी योजनाएं आप करते हैं उसके उद्देश्यों को देखिए और उसके फैक्ट एंड उसके डेटास को देखिए। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। तो जब भी आप सवाल लिखेंगे, अब आगे से याद रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चंस देंगे तो ध्यान में रखना है कि हमें बॉडीज पार्ट में कहाँ लेकर जाना है, हमें कंक्लूजन में कहाँ लेकर के, अभी कंक्लूजन पे आएंगे, हमें इंट्रोडक्शन जब हम लिख रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन पे कहाँ जा रहे हैं, हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। एक दिन में ये ध्यान में नहीं आएगा, ये डेली प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये ध्यान में, डेली प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारे ब्लड में आ जाएगा, तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा, एकदम मेंटली तुम उस तरह से ट्रेन हो जाओगे और प्रोसेस करोगे फटाफट लिखाएगा, क्योंकि मेन चैलेंज यही है। प्रिलिम्स होना नहीं हो रहा है जिनका, नहीं हो रहा है जिनका, हो रहा है उनको देखो ना, प्रिलिम्स हो जा रहा है और मेंस के लिए कुछ तैयारी ही नहीं है। अब लास्ट में आके मुझे बोल रहे हैं कि ये सर करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, कहाँ से हो पाएगा भाई, एक दिन का एग्जाम थोड़े ना है, ऐसा तो है नहीं कि हम मैटर बांट दें तुम उठा लोगे, ये प्रैक्टिस है तुम्हें पढ़ना होगा और ये पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात कर लो डेफिनेशन, जब हम डिफिनीशन का बात करते हैं, मान लो कहीं पर लिबरेशन के बारे में लिखना, तो भाई ये तुम्हारा बनाया हुआ डिफिनीशन नहीं चलेगा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलेगा, वो जो थ्री इडियट में नहीं बोलता है कि मशीन का डिफिनीशन लिखने से एग्जाम में पास करोगे, वो रियलिटी यही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी भी, एग्जामिनेशन की भी रियलिटी। आप अपनी भाषा का नहीं चला सकते, चीजों को समझा सकते हो, लेकिन जो लिबरेशन का डिफिनेशन है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिफिनेशन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की डिफिनेशन है, सस्टेनेबिलिटी का जो है,
तो वो चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि रटना पड़ेगा, कुछ लोग कहेंगे ना यूपीएससी रटना पेपर, अरे भाई है, अब हमें हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है तो उसके लिए तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना। यदि हमें डिफाइन करना है इंक्लूसिव ग्रोथ को तो हमें तो ध्यान में रखना है। ध्यान करने का मतलब क्या, याद रखना हुआ। अब उसी को किसी ने कह दिया क्या, अरे रटना पड़ता है। तो कहना सब कह अलग अलग रहे, लेकिन क्या एक ही बात पर है, तरीका उनका अलग अलग है कहने। इस तरह से आपको इस पॉइंट को ध्यान रखा, और इस तरह से आप पढ़ोगे ना तब रियली में लगेगा कि मेहनत होती है पढ़ाई में। मान लीजिए क्वालिटी की बुक खोले, पहला चैप्टर उठाया, दसवें चैप्टर तक पढ़ते पढ़ते चले गए, कोई मेहनत वो नहीं है, तो सिर्फ पन्ना पलटते गए पढ़ते गए, उसको थोड़ा लिखो। तो उसमें आप जो भी पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी साइंस की बुक पढ़ रहे हो या हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी चीजें पढ़ोगे उसको पढ़ो, किताब को बंद कर दो और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके लिखो, तब समझ में आएगा कि रियली में यदि मैं 1 घंटे पढ़ा हूँ, यदि मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ, तो रियली में मैंने कितना पढ़ा है और मुझे कितना याद रहा। और ये पर डे डेली चेकअप, पर डे चेक होगा, पता चलता रहेगा कि कितना मुझे याद रहा और कितना मुझे याद नहीं रहा। इसके लिए परेशान नहीं होना है, जब भी जो भी टॉपिक्स आएगा उससे रिलेटेड हम आपको प्री डिफाइन दे देंगे। यदि आप लोग खुद से भी पढ़े होंगे, जो भी नोट्स आपके पास होगा उस नोट्स को भी आप मदद ले लो, नहीं है तो फिर मुझे बताना, मैं उस पर एक PDF प्रोवाइड कर देंगे, प्री डिफाइन होगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि सबका एक ही जैसा है ना, तो डिफिनेशन तो एक ही जैसा हो सकता है, क्योंकि तुम्ही लोगों का जब मैं आंसर देखता हूँ तो कुछ कुछ तो चीजें एकदम हूबहू मिल जाती है ना, ऐसा नहीं है भाई। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरे अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ तुम्हारे अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, नहीं है ना। यदि इक्वलिटी के डिफाइन करेंगे तो इक्वलिटी का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो तुम्हारे लिए भी समान है, हमारे लिए भी समान है। जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए, वही लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हमारे लिए भी है ना। इस तरह से लोकतंत्र को लेकर डिफाइन करते हैं। जब बात होता है तो पावर वर्ड्स, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये पावर वर्ड्स मिलते हैं। अब इसके लिए ये नहीं सोचना कि वर्ड मेड फॉर इजी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात करता हूँ जैसे कुछ शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, कुछ शब्द है फोर्स ट्रेडिंग, फोर्स ट्रेडिंग कहाँ यूज किया जाए, देखोगे दल बदल का जब कानून होता है ना तो बहुत लोग एक शब्द यूज करेंगे फोर्स ट्रेडिंग, फोर्स ट्रेडिंग। घोड़े की खरीद बिक्री हो रही है, घोड़े कौन है, MLA, MP, एक सरकार के, एक दल की सरकार को अस्थिर करनी, फोर्स ट्रेडिंग कर रहा है। हैंग इलेक्शन हो गया, ठीक है, इलेक्शन हैंग का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी को प्योर मेजोरिटी मिलाएंगे, अब सरकार कौन बनाएगी, तो क्या होगा, लोग एक दूसरे को खरीद बिक्री करेंगे, दिखता है तुम्हें। जहां त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो वहां खरीद बिक्री शुरू हो जाती है, भैया तुम हमारे पार्टी में आ जाओ इतने पैसे देंगे। तो इस तरह का जो पावर वर्ड है, हॉर्स ट्रेडिंग, कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और क्या बता सकता हूँ, व्हिप है ना, व्हिप वगैरह यूज करती है ये पॉलिटिकल पार्टियां। तो ये सब पावर वर्ड्स, ये सब वर्ड का कलेक्शन आपका रिट, ये सब पावर वर्ड है। अब रिट को वहां डिफाइन करने की जरूरत है, सीधे रिट लिखोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा कि तुम किस चीज की लेते हो। इसको हम बोलते हैं पावर, ये पावर वर्ड का भी कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, क्वालिटी की पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पुनर्जागरण, ये पावर वर्ड्स, हमेशा पावर वर्ड, 3 पावर वर्ड को ध्यान में रखो। तो ये सब चीजें यदि आंसर्स में दिखते हैं ना तो ये इनहेंस करता है आपके आंसर्स, इसमें मार्क्स बढ़ने की संभावना होती है। तब एक पावर वर्ड समझ में आ गया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, व्हिप है, फोर्स ट्रेडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। अब बैठ करके डिक्शनरी नहीं बनाना, ठीक है, करना क्या है, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो देखेंगे ऐसे शब्द की जो सीमा आएगी उसको हम देखेंगे। जैसे कभी कभी देखते हो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो कभी CCC की बात करते हैं, MMM की बात करते हैं, है ना, तो ये सारे पावर वर्ड्स, डबल पीपल इज की बात करते हैं, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, है ना, इस तरह का। तो इस तरह के वर्ड्स को ध्यान रखना है जब भी आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं,
या जो भी कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, देखिए कि वहां पे कोई पावर वर्ड आपको मिल रहा है क्या। ये बड़ा मेहनत का काम, ये आसान काम नहीं है। ये सुनने में आसान लग रहा होगा लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज को पढ़ना और हर चैप्टर को अपने में समराइज करना एक टफ काम है। लेकिन एक बार में टफ, बार बार ये टफ नहीं लगे, कुछ दिनों तक 10 दिन 5 दिन टफ लगेगा, फिर तो आदत हो जाए, फिर हैबिट हो जाएगा तुम्हारा। और मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूँ, किसी भी चैप्टर को इस तरह से पढ़ो ना कि इस वजह से तुम्हारे लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे, दोबारा हमें पढ़ना नहीं, इस तरह के सोच को रखना पड़ेगा। नहीं तो चलो पढ़ना है पढ़ लेते, नहीं ऐसा पढ़ो कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, ये सोच के पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारा इंटरेस्ट और आगे बढ़ जाएगा। क्या क्या हमने देखा? हमने देखा इंट्रोडक्शन, कैसे शुरू करना है, करेंट का क्वेश्चन है तो इस तरह से आपको हैंडल करना है, यदि वो क्वेश्चन स्टैटिक्स का है तो स्टैटिक के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। बॉडी पार्ट में जब हम बॉडी लिखने जाते हैं, मुख्य भाग में जब प्रश्न को आते हैं तो उसमें हमें किस तरह से डाटा के यूज करना है, हम कैसे अच्छे एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं, हम कैसे वर्स्ट एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके प्रश्न के नेचर क्या है, प्रश्न का डिमांड क्या है, प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। कुछ पावर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, कुछ डिफिनेशंस का यूज कर सकते हैं, यदि आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरह से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टाइप का, जैसे मान लो सपोज करो कि क्या बोलोगे, मान लो पानी का प्रॉब्लम है किसी एरिया में। मैं एक न्यूज देख रहा था बीबीसी पे, तो बीबीसी में बता रहा है कि राजस्थान का कोई एरिया है बाड़मेर साइड का या जैसलमेर साइड का, पानी का बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस एरिया में किया जाए तो किस तरह का बेनिफिट्स हो सकता है, या जो आउट ऑफ द बॉक्स अभी देखोगे यूपीपीसीएस में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का सवाल पूछते हैं, जैसे कोई सिचुएशंस दे दिए, तो आउट ऑफ बॉक्स ही तो होता है या आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी उनसे जब कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई मुद्दा तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, उस मुद्दे के सॉल्यूशंस में आप क्या प्रोवाइड करते हो, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहानी थी आपके मेंस आंसर राइटिंग में, कैसे हमें शुरू करना है। अब बात होता है कंक्लूजन का। देखो कंक्लूजन ना, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सवाल आपसे आपका मत पूछा जा रहा है तो आपको कंक्लूजन देना होगा, लेकिन एक चीज और याद रखना, कंक्लूजन के लिए थोड़ा सा वर्डिक्ट वगैरह भी याद रखना कोर्ट का, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जैसे देखोगे इसमें इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन के मैटर पे जो देता है कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है, उन सब वर्डों में वो सब, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहती है ना, या कोई स्टेट का कोई हाईकोर्ट जब बात करती है, तो देखोगे वो न्यूज बन जाता है टीवी चैनल के लिए भी, और वो न्यूज बन जाता है न्यूज पेपर के लिए भी। कोर्ट ने इस मुद्दे पे या इस मामले में ये स्टेटमेंट कर, ठीक है, एक स्टेटमेंट कहना और एक जजमेंट देना दोनों अंतर है, क्योंकि कभी कभी कोर्ट कह तो देती है लेकिन रिटेन स्टेटमेंट में वो होती नहीं। जैसे नुपुर शर्मा का केस, उसने जो कहा वो स्टेटमेंट में कहा लिखा था, कोर्ट ने लिखा ही नहीं, तो वैसे मुद्दों को नहीं रखना। लेकिन हाँ, जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है, चाहे वो मार्शल रेप को लेकर के हो, माइनोरिटीज को लेकर के हो, इंटॉलरेंस को लेकर के हो, या तुम्हारे जैसे केशवानंद भारती वगैरह मामला है, ठीक है, गोलकनाथ केस है, मेनका गांधी केस है, जैसे क्वालिटी की पढ़ रहे हो बुक, उस समय ये सारे कुछ तो वर्डिक्ट को याद रखना है कि गोलकनाथ केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मेनका गांधी भी केस में क्या आया, किस तरह से आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करता चला जा रहा है, आर्टिकल 19 को कैसे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें आपको ध्यान में रखना होगा, और ये डेली न्यूज में ही आपको आएगा। और जो रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, कभी कभी किसी किसी प्रश्न का जो कंक्लूजन होता है वो तुम्हारा नहीं है, किसका होगा, किसी रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट में क्या कहा वही तुम्हारा भी होगा कंक्लूजन। जब तुम्हें अपना मत पूछा जाए तो तुम अपना मत दे सकते हो, लेकिन जब कोई क्वेश्चन लिख रहे हो वे फॉरवर्ड यदि आपको देना है उसमें, तो उसमें तुम उस रिपोर्ट का, उस रिकमेंडेशन की बात करोगे ना, जस्टिस वर्मा कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, उसको लेकर क्या जा सकते हैं, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, या वुमेन के प्रति जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है उसको लेकर के मुद्दे आ सकते हैं, तो वहां भी आप इस बात को कर सकते हैं। कोर्ट भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी का कोर्ट हुआ, या मान लो किसी विवेकानंद का कोई कोर्ट हो गया, या किसी फेमस पर्सनैलिटी, अब
किसी नेता वगैरह का कोट वोट मत यूज करना, ठीक है, क्योंकि उनका कोट बदलते रहते, नेताओं का कोट का भरोसा नहीं है। आज तो काज कुछ और कोट करेंगे, कल कुछ और कोट करेंगे, परसों कुछ और कोट कर देंगे, तो इनके कोट को वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि जो लीडर्स है, ठीक है, प्रेसिडेंट यदि कोई बात कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पे है, उनके कोर्ट को आप लेकर के चल सकते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या बात कर रहे हैं, उस कोर्ट कोई करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पे वो जिम्मेदार बात, गैर जिम्मेदार बात नहीं करते। जब वो पद पे है, पद के बाद तो कुछ भी बोल दें वो अलग बात है, लेकिन पद पे है तो ये उम्मीद किया जाता है कि वो स्टेटमेंट उनका गैर जिम्मेदाराना नहीं हो गया। क्लियर? जी सर। अब रही बात लास्ट पॉइंट पर, हम आते हैं वो है कंक्लूजन। ध्यान से देखो, एक प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि कौन सा चीज है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जब तुम कहीं से चीज का निष्कर्ष लिख रहे हो ना, तो निष्कर्ष हो सकता है कि तुम एक लाइन में लिख दो लाइन में लिख दो, पांच लाइन में भी लिख सकते हो, तो वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को नहीं। मतलब जो सबसे हाई प्रायोरिटी का जो कंक्लूजन है वो सबसे ऊपर, उससे कम क्वालिटी का जो कंक्लूजन है उसको नीचे। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि जो सबसे बेस्ट कंक्लूजन हो हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करें। नहीं पता चला तो भी उसे कम ले लो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन, सरकार कोई इंटरवेंशन करे, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेकर के आ रही है, ठीक है, सरकार कोई मदद कर रही है किसी चीज को लेकर के, चाहे वो छोटे बच्चों में जो बीमारियां होती है उसके लिए जो टीकाकरण करा रही है इंद्रधनुष टाइप की, ठीक है, इस तरह का कोई है, या महिलाओं की शिक्षा के लिए, माइनोरिटीज की एजुकेशन के लिए। आप भी देखोगे एक रिपोर्ट आया है कि उसमें कहा गया है कि जो एससी एसटी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो रिसर्च में बहुत कम जा रहे हैं, रिसर्च क्षेत्र में जो पीएचडी होता है ना उसमें बहुत कम जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो तुम हिंदू पढ़ रहे होगे, कल या परसों का ही रिपोर्ट, तो उसमें देखना क्या किस तरह की बातें उन्होंने कहा। आईआईएम में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जनरली एक कोशिश होती है कि आईआईएम में हर फील्ड के लोग शामिल हो, ताकि लोगों को एक्सपोजर जो हो ना वो हर फील्ड का एक्सपोजर हो। लेकिन वहां पे हायर एजुकेशन में पीएचडी में एससी एसटी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना, सिविल सर्विसेज में कम नहीं है ना, सिविल सर्विसेज में तो है। तो अब प्रायोरिटी किधर जा रही है ये भी देखना पड़ेगा, और क्या कारण है कि पीएचडी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है। क्या सरकार ऐसी योजनाएं नहीं चला रही, सरकार क्या ऐसी योजनाएं है कि नहीं, और क्यों रिसर्च के पीछे से लोग भागना चाह रहे हैं। आज भी देखो कि बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी कहाँ से करें उनको ये भी नहीं पता, बस पैसा दे दिए हैं, पीएचडी उनका हो रहा है, पीएचडी में थेसिस कोई और लिख रहा है, जमा कोई और कर रहा है, और बाद में उनको डिग्री मिल जाएगी, वो पीएचडी हो, तो इसे पीएचडी करने का फायदा क्या है जब आप किसी चीज पर पढ़ ही नहीं रहे और आप डिग्री खरीद रहे हो एक तरह से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, आपको आस पास में आप ढूंढिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पीएचडी करें, पूछिएगा कहाँ से, तो रह रहे दिल्ली में पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए, गुजरात, नेगेटिव पॉइंट। तो इस तरह से बहुत लोग पीएचडी होल्डर हो रहे हैं, इसीलिए देखते हो कि जब गवर्नमेंट का फॉर्म निकलता है तो फॉर्म यदि फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का भी, ग्रुप डी का भी है, तो पीएचडी होल्डर भी चले जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। ये वही पीएचडी है जो इधर उधर से सर्टिफिकेट्स लेंगे, इधर उधर से पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे थोड़ी नॉलेज आपको डेवलप हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है उसको आप प्रायोरिटीज कर सकते हो, स्कीम्स को, पॉलिसीज को, उसके कोई उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों का, जैसे गवर्नमेंट ने कहा हाउस फोर 2022 हाउस फोर वॉल्स, पता नहीं कितना भी रिपोर्ट आया है, तो रिपोर्ट आएगा 2022 के एंडिंग में तो पता चला कितने लोगों को उन्होंने घर बना के दिया है। कहा तो था कि हम 2022 तक सभी को देंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2022 भी क्रॉस करने वाला है, देखो आगे वाले रिपोर्ट्स में क्या होगा। संसद में जब डिस्कशन करते हैं तो इस मुद्दे पर बात करें तब ना, यहाँ तो मुद्दा ही कुछ और होता है, सब मुद्दों को तो पूछते ही नहीं, जो मुद्दा पूछना चाहिए वो तो पूछते नहीं है, पूछते तो इधर उधर के मुद्दे हैं, किसी को जेल क्यों कर रहे हो, किसी को कहीं क्यों कर रहे हो। तो इस तरह के पॉलिटिकली चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें कोशिश ये करना है कि जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसके अंदर में हम स्कीम्स कैसे यूज करें, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है
इसको कैसे करें, दूसरी बात हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपना सकते, भविष्यमुखी जो बातें कह सकते हैं, यदि ये प्रोजेक्ट लागू किया जाए या इस मुद्दे को हल किया जाए किस प्रकार से जेंडर इनइक्विटी बढ़ेगा, किस तरह से इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगा, किस तरह से एम्पावरमेंट होगी, इस तरह का जो फ्यूचरिस्टिक व्यूज है ना वो आपके कंक्लूजन में दिखना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट, इंटरवेंशन, दूसरा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, रख सकते हैं कैसा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकता है आपको, किस तरह का भविष्य उन्मुखी बातें का सभी मतलब भविष्य को दिखाओ कि किस तरह से भाई इसको इस प्रोजेक्ट को लागू करेंगे या प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ये समस्याओं को हल करेंगे तो किस तरह का बेनिफिट हमें मिलेगा। क्लियर है जी सर? यही बात करना था आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे का आंसर आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कैसे करना, तो अब आपको क्लियर होगा। मैं इसको बाइंड अप कर दे रहा हूँ कि क्या मैंने आपको बताया आज। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कैसे पीटी के लिए और मेंस के लिए आपको प्रिंट तैयार करना है, पढ़ना नहीं है उसको, अपनी कॉपी में देखो, लैपटॉप वगैरह में यूज करते हो तो लैपटॉप वगैरह में बना लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐड वेड करना आसान होता है। कॉपी पे बना रहे हो तो जो पेन वाली कॉपी आती है उस पर बना लो, उससे दिक्कत नहीं होगा, पेज ऐड कर सकते हो। बाइंड अप वाला कॉपी मत करना, वो जो नॉर्मल स्कूल वाला जो कॉपी होता है उसमें फिर ऐड नहीं करो, इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा हमने बताया कि मेंस के कैसे पॉइंट करेंगे, उसपे मैं मैटर दूंगा, ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे करेंट का मैटर होगा उसको हम रिटेन मैटर्स देंगे, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, वेब फॉर्मेट वो तैयार होगा, ठीक है, बस उसी में थोड़ा सा हर जब भी एग्जाम देना होगा तो बीच में जो डेटा जाएंगे उसमें उसको मॉडिफाई कर करके रखते चले जाएंगे। जीएस पेपर वन का होगा, जीएस पेपर टू का होगा, जीएस पेपर थ्री का होगा, जीएस पेपर फोर का होगा, और ये सब हिंदी में होगा, अंग्रेजी में हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अंग्रेजी में होंगे, मैं कोशिश करूंगा, बाकी करता भी हूँ, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, तो ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में दे दूंगा, उसको आप हिंदी में कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर तो हिंदी में लिखना है ना, अंग्रेजी में तो लिखना नहीं है, तो अंग्रेजी की पढ़ो, पेपर पढ़ो, वीडियोज देखो, जो देखना है देखो, लेकिन कोशिश करो उसको नोट्स को हिंदी में बनाने का, क्योंकि मेनली पर्पस हिंदी में लिखना है। और लिखने समय फिर हम बहुत सारे आंसर देखते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो अंग्रेजी का शब्द उनको लिख देते हैं, क्योंकि हम बोल चाल में इंग्लिश मैसेज वाला जमाना हो गया है, क्या कर रहे हो उसको भी अंग्रेजी में लिख देते हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ये नहीं लिखते हो, क्या के बाई ये क्या कर रहे, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है और ये डेली प्रॉब्लम है, इसी चीज को हमें दूर करना है। हम आंसर राइटिंग क्यों करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर करें, ठीक है। दूसरा हमने देखा इंट्रोडक्शन में, यदि वो टॉपिक करेंट अफेयर्स का है, क्या क्यों चर्चा में था, क्या किसी रिपोर्ट उस पर आई थी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बात रखी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई उस पर मुद्दा आया है, या कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, करेंट का हो गया, स्टैटिक है, कोशिश करेंगे उस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने का, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसी में कीवर्ड्स लिख के रखो, उसको अंडरलाइन करो, देखो उसमें क्या क्या बात किया जा रहा है, क्या डेमोक्रेसी से संबंधित है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित, ऐसे जो पावर वर्ड्स है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, प्रश्न में भी तुमको दिख जाएगा, मुद्रास्फीति प्रश्न में तुमको दिख जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रश्न में तुमको दिख जाए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखे। अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के प्रश्न है उसको लेकर के इन ये जो बातें हमने बाद में बताई है आपको उसको हम वहाँ पे एड्रेस करेंगे, तो तुम्हें दिख जाएगा कि जो मैंने बातें की वो प्रश्न में है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से कोई बात बता रहा हूँ, वो जो यूपीएससी के प्रश्न उठाओगे 2013 से लेकर 2020 तक उसमें तुमको मिलेंगे, उसके पहले भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये 10 साल का प्रश्न बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, 10 साल का मतलब है एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं और 10 साल में 200 क्वेश्चन है, और हर साल क्वेश्चन का नेचर देखना सेम नहीं होता। ये पॉइंट हो गया, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन में आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें बताया मैंने कि किस तरह से फैक्ट को यूज करना है, डायग्राम यहाँ बना सकते हैं, तुम्हें कोई टेक्निकली कोई चीज समझाना है तो डायग्राम बनाओ, कम समय में बनेगा। अब हर प्रश्न में डायग्राम नहीं बनाना, ये भी ध्यान में रखना कि हर प्रश्न में हम डायग्राम लगे बनाएंगे, देखना है कि डायग्राम कहाँ चलेगा, फ्लो चार्ट कहाँ चलेगा, किसी चीज को स्टेप समझाने तो चार्ट लेकर के चल सकते, तो ये प्रश्न के नेचर में समझेगा। दूसरी बात कि पावर वर्ड को कैसे यूज करना है, कैसे किसी भी कोर्ट्स की किसी को सेइंग को यूज करना है, कैसे कोर्ट के जजमेंट को यूज करना है,
और जब हम निष्कर्ष लिखते हैं, जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसमें हम प्रायोरिटी देखेंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखेंगे, देखेंगे हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसा है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है उसमें हम फ्यूचरिस्टिक आइडिया क्या दे सकते हैं, कोई ऐसा बिग आइडिया है, तो वो चीजें यहाँ पे होगा। और ये सब चीजें तुम्हारी अपनी होंगी, ये कहीं रिटेन नहीं होगा, और यही तुम्हारा क्वेश्चन, तुम 10 बच्चे जो हमारे यहाँ आंसर लिखते हो उसमें भी अलग अलग आंसर हो जाएगा तुम लोगों, क्योंकि तुमने इस तुम्हारे इस प्रश्न में तुम्हारी ओरिजिनलिटी हमें दिख गई है ना, तो क्योंकि फ्यूचरिस्टिक स्कोप जो होगा वो तुम्हारे अनुसार होगा, तुम सोच के बताओगे क्या है, वो कहीं रिटर्न रिटर्न तो हो लगा या नहीं। दूसरा, उसके मिशन, जो गवर्नमेंट के जो मिशन है, किस उद्देश्य से वो प्रोजेक्ट लेकर के आया है, उसके उद्देश्यों को डिफाइन कर, इस तरह से आप कंफ्यूजन कर सकते। एक चीज और छूट गया था, वो ये है कि हम प्रश्न को पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि तुम लोगों से बहुत सारे लिखते हो तो कुछ पैराग्राफ में लिख देते हो, कुछ पॉइंट में लिखते हो। ध्यान में ये रखना है कि पॉइंट हर जगह सुटेबल नहीं है और हर जगह पैराग्राफ भी सुटेबल नहीं है, लेकिन जीएस का आंसर है, कोशिश ये करेंगे यदि हम पैराग्राफ भी बना रहे तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाए। बाकी यदि किसी चीज के अंतर को लिखना है, किसी चीज के उद्देश्यों को लिखना है, तो वहाँ पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे पॉइंट आउट में चल सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में बता दो चार बातें, इस तरह से आप करिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे पॉइंट में लिखना है और कहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये डिपेंड करेगा आपका प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। प्रश्न में यदि एनालिसिस करना है तो फिर वहाँ पॉइंट नहीं चलेगा, वहां पे आपको एनालिसिस करना है तो अपनी स्टेटमेंट्स को बतानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे मुद्दों को एड्रेस करना है वहां पे पॉलिटिकल, यदि मैं ये क्वेश्चन यदि इस तरह से टाइपिक टाइप क्वेश्चन है कि राजनीति में करप्शन का कारण क्या, तो फिर वहाँ पॉइंट पॉइंट चल सकता है, ये कारण है, चुनाव का खर्च इतना ज्यादा हो रहा है, मतदाताओं को लुभाना है लोगों को, तो क्या करेंगे, करप्शन करेंगे ही करेंगे, आसान तो है नहीं, हम और तुम तो आसानी से लड़ नहीं लोगे चुनाव, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, ईमानदारी वाला पैसा तो बहुत कम ही लोग लड़ते होंगे, तो पैसे इधर उधर से ही आते हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है, और हम जो पूछे वो बताए आपको, आप लोगों का कोई मत है तो बताइए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, बताइए कुछ ऐड ऑन करना है तो तुम लोग बताओ, यहाँ सर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, नहीं सर ठीक है, ठीक है फिर, तो कल वाला आंसर आप लोगों ने लिखा था, हाँ एक लिखा है सर, दो क्वेश्चन लिख देते ना, तो वो आज भेज दूंगी, आज ना आज आप लोग वो दोनों क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए हैं ग्रुप में, उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब लिख करके हमें रात तक सेंड कर दीजिए, कि कल मंडे है और कल हम लोग लाइव सेशन करेंगे 4 बजे, ठीक है, 4 बजे लाइव सेशन, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, और कल से जो स्टार्ट होगा वो ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, हम रिसोर्स बता देंगे ज्योग्राफी में, जो भी नोट्स है तुम लोगों के पास वो पढ़ो, और जो किताबें बताएंगे उस चैप्टर्स पढ़ने में, खास करके एनसीईआरटी फॉलो अप करेंगे, उससे ज्योग्राफी वाले सेक्शन पूरे एक हफ्ते हम लोग ज्योग्राफी चलाएंगे, लगभग 25 तारीख से शुरू करेंगे, 1 अगस्त या 2 अगस्त तक इसको हम ज्योग्राफी को लेकर के चलेंगे। ज्योग्राफी पे हम वही जैसे क्वालिटी में क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे हिस्ट्री में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, मेंस का प्रीलिम्स का जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 20-25 क्वेश्चंस का सेट दे रहे हैं, उसी तरह से ज्योग्राफी में भी सेट होगा, और आज संडे है, आज शाम तक जो 25 क्वेश्चन का जो सेट था हिस्ट्री का वो आज आपको मिल जाएगा, दूसरा 7 क्वेश्चन का मेंस का टेस्ट इस वीक नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक 7 क्वेश्चंस का वो पहला ही सब लिख करके नहीं भेजो, सबसे प्रॉब्लम तो ये ना, अरे देखो गलत लिखते हो ये दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हो ये दिक्कत, गलत भी लिखोगे तो कम से कम तो पता तो चलेगा कि तुम गलत लिख रहे हो, लिखेंगे कोई, तो कोशिश ये करना, तभी आप लोगों में से एक ही किसी ने, दो स्टूडेंट ने, एक ही स्टूडेंट ने शायद भेजा, बाकी और किसी का आंसर आया नहीं, तो कोशिश कीजिए कि जो पिछले बार हमने जो 7-8 क्वेश्चन आपको दिए थे उसके आंसर्स को पूरा लिख करके भेजो, 3-3 क्वेश्चन लिख के भेजो, नहीं लिखना, अब देखो एक बात बताओ, 1 घंटे में पेपर लिखना है और तुमसे 3 क्वेश्चन लिखा रहा है, 3 घंटे में कहाँ से 20 क्वेश्चन लिख लोगे, है ना, जबकि यहाँ पे हम तुमको खुद बोल चुके हैं कि जो पर डे जो क्वेश्चन दे रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास, समझो कि तुम इग्नू में पढ़ रहे हो, इग्नू का मतलब समझते हो ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्या करता है, किताब भी भेज देता है, मटेरियल भी भेज देता है, और असाइनमेंट का क्वेश्चन भेज देता है, बोलता है ये सारी किताब है इसको पढ़ो, इसके जवाब लिखो,
अब इसको पेपर लेता है, वही हाल मैं कर रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस दे दिया, आपको मैंने मैटर दे दिया, उसके आपके आंसर लिखे, और हम आपको सिनॉप्सिस भी तो दे रहे हैं ना। मान लो कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसका आंसर भी तो लिख करके दे रहे हैं, वो आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है, और फिर वही सबको फिर से पढ़ना है तुम्हें। अब पढ़ने के बाद फिर करना क्या है, जो 7 क्वेश्चन का सेट है उसको 1 घंटे के अंदर। क्वालिटी का क्वेश्चन सिर्फ तुमने ही लिखा है ना, बाकी और लोगों ने लिखा नहीं है ना, इसलिए मैंने अभी सेंड नहीं किया। मैं तो और बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ ना कि बाकी कुछ लोग भी लिख लें, आगे से नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका छूट गया, जिनका जिन्होंने नहीं लिखा फिर हम बोलना बंद कर देंगे, नहीं लिखेंगे, जिनका आएगा उन्हीं को हम चेक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो यही है ना, 10-15 बच्चे हो तुम लोग, और कम बच्चों में यही तो है, तुम लोग को पर्सनली अटेंशन देते हैं, नहीं तो कहाँ है, कहाँ, जिनके यहाँ 1000-2000 बच्चे हैं उनके पास इतना टाइम थोड़े ना कि तुम्हें बार बार फोर्स करेंगे, तुमने ये क्वेश्चन किया जी, तुमने ये पढ़ा जी, नहीं कर, लेकिन हम लोग तो उस टाइप से कर नहीं रहे। वी आर लाइक ए फॉर्म ए ग्रुप, हमें ग्रुप के अनुसार पढ़ रहे हैं, ग्रुप में 10 बच्चों का जो ग्रुप होता है, जो लोग कहते हैं एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप ही तो है तुम्हारा जिसमें 10 बच्चे हो और एक मेंटर भी तुम्हारे साथ है। किसी को परेशानी हुई तो डायरेक्ट मेंटर से पूछ सकते हो, किसी को तो रोका नहीं है मैंने, ना कॉल करने के लिए रोका है ना मैसेज करने के लिए रोका है, आप कभी भी कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। यही तो फायदा ना, छोटे ग्रुप का होने का ही फायदा है, 10 बच्चों के साथ पढ़ने का ही फायदा है कि आपके प्रश्न, आपके प्रॉब्लम को, आपके कमियों को दूर किया जा सके। 1000 बच्चों के साथ रहने से जब कोई फायदा ही नहीं है वहाँ। आई थिंक लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया आप लोगों, यहाँ हम लोग क्लोज करते हैं सेशन। और जिन्होंने आंसर नहीं लिखा भाई, प्लीज आप उसको पढ़िए, उसके आंसर्स आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, उसको पढ़िए, उसको लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दिया हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा प्रवचन दे दिया है, तो बहुत सारा तुम लोगों के दिमाग में उतर भी गया होगा, तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसमें आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पे लगेगा फिर उसके बाद कमेंट कॉल कर लेना या बात पूछ लेना, यहाँ सर वहाँ बात बोले ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर दिया ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना। ठीक है फिर रखें फिर। जी सर, कैलाश इससे करेंगे, ठीक है, अगले वीक में संडे को एससे का सेशन करेंगे, उसपे हम लोग थीम बेस्ड एससे, अभी देखो अभी हमने तुमको फिलोसॉफिकल बेस्ड एससे कराया था, अब इस बार आज का जो एससे आएगा तुम्हारे लिए वो एससे आएगा पॉलिटिकल बेस्ड, ठीक है, तो हम लोग थीम बेस्ड एससे पर डिस्कशन करेंगे, तो अगले संडे को इसी तरह से टाइम रखेंगे, देखते हैं संडे का सब्जेक्ट बेस्ड हो जाता है तो किसी एक दिन हम लोग करेंगे, और उसमें हम एससे पे पूरी डायमेंशन से बात करेंगे, एससे पे पूरे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि देखो एससे एक टॉपिक तो है नहीं कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लोगे और एग्जाम में मिल जाएगा, यहाँ पे एससे को हम लोग पार्ट बाय पार्ट उसको तोड़ करके समझेंगे, पूरी डिकोड करना सीखेंगे, कैसे फिलोसफिकल एससे हो, चाहे साइंटिफिक साइंस एंड टेक के एससे हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, सोसाइटी बेस्ड हो, तो हम लोग थीम बेस्ड डिस्कशन जरूर करेंगे, ये आपके क्लास के सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसके लिए आप परेशान मत हो। हाँ हाँ, फिलोसफी का होगा चाहे पॉलिटिकल होगा, तो सारे थीम बेस्ड होगा ना, जब फिलोसफिकल एससे का बात करेंगे तो अभी तक यूपीएससी में जितने भी फिलोसफी के एससे आए, क्योंकि आपको जिनको पता है मैं फिलोसफी पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि जनरली फिलोसफिकल एससे में ही लोगों को समस्या होगी, बाकी एससे में प्रॉब्लम नहीं होती, फिलोसफिकल एससे में ही सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ से शुरू करें, एक स्टेटमेंट लिख करके छोड़ दिया बाकी कहानी खत्म, तो हम उसकी बताएंगे आपको कि कैसे उसके एनालिसिस करेंगे और कैसे उसके डिस्कशन करेंगे, तो आने वाले वीक में हम लोग देखते हैं किसी दिन एडजस्ट करेंगे, फिर 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए आप लोग, बाकी हम आपको सेंड करते हैं, बाकी उसके थैंक यू।